जैतिया फिरोजपुर में गांगन नदी पर पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। कुंदरकी के ब्लॉक के ग्राम जैतिया फिरोजपुर में गांगन नदी पर पुल न होने की वजह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बना रखा है और वह इस पुल से होकर गुजर रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से लकड़ी का पुल पानी में डूब गया है। ग्रामीण मजबूरन जान जोखिम में डालकर इस लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। राकेश कश्यप, जैतिया फिरोजपुर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इस गंगा नदी में बाढ़ आने से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। यहाँ हमारे यहाँ की 80% खेती पार है और हमारे गांव का संपर्क लगभग रिश्तेदारियाँ मिलतदारी 8-10 गांव में है पार के। बाढ़ आने से सारी ये समस्याएं उजागर हो जाती हैं और मुरादाबाद हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जो मजदूर काम करने जाते हैं उनका भी रास्ता बाढ़ आने से बंद हो जाता है। इसलिए हमने पीछे से भी इस पर पुल बनवाने की मांग हमारी चल रही है। प्रशासन और जो भी नेतागण हैं उनसे भी हमने कई बार उन्हें लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इधर ध्यान नहीं दे रहा है। जी भाग्य से ब्लॉक अध्यक्ष मनवीर सिंह बोल रहा हूँ। हमारे गांव की समस्या सबसे बड़ी पुल की है। हमारे बच्चे जो अब थोड़े छोटे होते हैं उन्हें तो बच्चे को पहुँचाना पड़ता है, पानी की वजह से वो भी घर पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी समस्या मान लो मजदूरी करने जाते हैं तो 20 किलोमीटर घूम कर तब जाना पड़ रहा है, या भी वो लोग घर पर बैठे हैं। अब ये पानी आपको देख ही रहे हैं, अभी तो पानी बढ़ रहा है, ना पता कितना पानी बढ़ेगा। और उसकी गहराई कम से कम 15-16 फीट गहराई इंच है। अगर मान लो कोई बच्चा डूब जाता है क्या होता है, सैकड़ों बात बनती हैं। सारी समस्या पुल की है सर। इससे पहले ट्रेन वाले पुल पर निकलते थे बच्चे, उनसे कई हादसे भी हुए, कई बच्चे कट भी चुके हैं। इसी वजह से पुल पर ना जाकर लकड़ी पुल हमने अपने पास से पैसे इकट्ठे करके गाँव वालों ने सबने वही पुल बनाया था। अब यही पानी में डूब चुका है। अब वो बच्चे इस समय सब घर पर बैठे हुए हैं। इस समय चलो लॉकडाउन चला है, लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन हटेगा तो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं इस समय। और समस्या ये है, कोई काम करने के लिए सारा काम बंद पड़ा है। खेती किसानी जब हमारे पल्ली पार है, इसकी वजह से चारा नहीं आ पा रहा है। ढोर हमारे ऐसे ही जानवर जो हैं वो भूखे, या घर में जो भूख पड़ा उसे खिला दो या अपने घर पर रखो। सारी समस्या, पूरी समस्या दिखाई दे रही है अपनी। सर 15-20 साल से तो लाइफ जोर काफ़ी लोग आ चुके हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। सपा की सरकार आती है वो भी आश्वासन दे देते हैं, सिर्फ वोट मारने टाइम पर। बसपा की आती है वो भी, और क्या बोलते हैं बीजेपी की आती है वो भी। पीछे सतपाल सैनी विधायक सांसद हुए थे यहाँ से, तो उन्होंने ही कह दिया था ठीक है आने वाले टाइम में हम भी देखेंगे सब। उनके पास ट्रॉली वगैरह कई लोग गए, काफ़ी लोग गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब वो सपा की सरकार आती है वो कहते हैं, अब विधायक जो बने हैं वो सपा के बने हुए हैं, वो कह देते हैं